हनुमान चालीसा मामले में जेल से रिहा के बाद अब बीएमसी दंपत्ति के खिलाफ अपनी जांच शुरू कर रही है। ताजा जानकारी के मुताबिक बीएमसी की टीम नवनीत राणा के घर के अंदर जा चुकी है और अवैध निर्माण को लेकर जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि बीएमसी ने अवैध निर्माण का नोटिस सार दंपत्ति के मुंबई के खार इलाके वाले घर के लिए दिया था। बीएमसी की टीम पहली बार 4 मई को उनके घर पहुंची थी, लेकिन किसी के न होने के चलते बीएमसी अपनी जांच नहीं कर पाई। वहीं अब टीम एक बार फिर दंपत्ति के घर पहुंची है। बीएमसी अपनी जांच में ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि अवैध निर्माण हुआ है कि नहीं। पीएम मोदी से शिकायत करेगी नवनीत राणा। जी हाँ, आपको बता दें, नवनीत राणा और उनके पति रवि ने सोमवार को कहा है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से संपर्क कर महाराष्ट्र के अधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहार की शिकायत करेंगे। दंपत्ति के मुताबिक जेल में उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है। इस मसले पर लोकसभा की विशेषाधिकार समिति की बैठक बुलाई गई है। बैठक में नवनीत राणा को भी अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।